कुछ मिस्त्री गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं कि सर छत ढलाई के समय ही हम सीढ़ी ढलाई करेंगे, और ये गलत हो जाता है। वो कैसे गलत होता है आज हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि छत ढलाई आपने कर दिया कर रहे उस समय, तो अब चढ़ने के लिए क्या करता है, वो सीढ़ी ढलाई करता है पहले, और सीढ़ी में पूरा जो है कच्चा कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कंक्रीट लाके उसमें डालते गया, फिर अब डालते गया, फिर अब उसी कंक्रीट पे कम से कम जो है 500 हजार बार लेबर चढ़ेगा उतरेगा छत का कंक्रीट को ले जाने के लिए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। और कभी भी जो है, तो मेरा आज का जो है वही पॉइंट है कि भाई पहले सीढ़ी ढलाई करें या छत की ढलाई करें, और इसका बेस्ट तरीका क्या है कि जिससे कि मेरा सीढ़ी भी खराब ना हो और हम जो है छत ढलाई भी प्रॉपर तरीके से मेरा हो जाए। तो कब करना है सीढ़ी का ढलाई, तो ध्यान दीजिएगा जरा इस चीज को लेकर के। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि हम लोग, ये मेरा सीढ़ी है, हम सैंपल बना रहे हैं, मजाक मत उड़ाइएगा, और इधर फिर चढ़ने के लिए मेरा सीढ़ी हो गया, और ये मेरा फिर से गड़बड़े हो गया, मेरा ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से मेरा सीढ़ी हो गया, और ये लैंडिंग, फिर यहां से फिर ऊपर चढ़ने का, ठीक है। अब है कि पहले हम स्टेयर ढलाई करें या कि रूफ छत ढलाई करें। देखिए क्या है, जरा समझिएगा चीजों को लेकर के जो है, तो जब हम लोग लिंटल तक जाते हैं तो उस समय इतना पार्ट जो है हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस पार्ट को लेकर के, यही पार्ट सबसे मेन है। इसको बहुत मिस्त्री लोग बोलता है कि भाई जिस समय हम छत की ढलाई करेंगे उस समय उससे पहले हम सीढ़ी में कंक्रीट डाल देंगे, फिर तब जाकर के हम छत के ऊपर चढ़ेंगे, और ये गलत है। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें कंक्रीट भर दिए, लेकिन अब जितना भी है छत ढलाई के लिए जितना भी मैन पावर है, लेबर है, सब इसी सीढ़ी होकर के जाएगा और छत ढलाई के लिए। अब ये पूरा कच्चा था और ये पूरा डिफ्लेक्शन भी करेगा, और इससे क्या हो जाएगा कि स्टेयर आपका का स्ट्रेंथ जो है लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो छत ढलाई आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले आप कम से कम 2 से 3 दिन पहले आपको क्या करना है, स्टेयर केस का ढलाई कर लेना है, स्टेयर केस कास्टिंग कंप्लीट कर देना है। इसको आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, मैनुअल मिक्स करके। इससे क्या होगा कि ये आपका 24 घंटा बाद ड्राई हो जाता है, फिर एक दिन और लेकर चलिए, तो उसके बाद आपको पूरा एक बेस मिल गया, चढ़ने उतरने में ये तो ढलाई हो गया ही था, चढ़ने उतरने में कंक्रीट ले जाने में लेबर लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिनिशिंग भी अच्छा आपका आ गया सीढ़ी का, और सीढ़ी का जो है इतना एरिया तक ढलाई, थोड़ा सा जो है जहां तक लैंडिंग हो रहा है उससे थोड़ा दूर तक ढलाई कर लीजिए, तब उसके बाद ये हो गया, तब जा करके रूफ का 2 से 3 दिन बाद आपको रूफ कास्टिंग करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत जरूरी है, समझे बात को। नहीं तो दिक्कतें, जो मैं आपको बताया कि छत ढलाई से में करेंगे तो इसमें क्रैक भी आता है, प्रॉपर तरीके से कंक्रीट भाइब्रेटर भी इस्तेमाल नहीं करने की वजह से जो है हानि कम दिखेगा, और उस समय इतना बार लोग जो चलता उतरता है तो छत जो है ये जो ट्रेड है ट्रेड के ऊपर चिन्ह दिखेगा अप डाउन इस तरह के, वो सही नहीं है। तो मतलब 2 से 3 दिन पहले सीढ़ी ढलाई कर लेना है, और सेटिंग मेरा रेडी होने के बाद जो है फिर ढलाई करना है छत का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है कि भाई पहले सीधे ढलाई करें कि छत, और कभी भी जो है दोनों साथ में टुगेदर स्टेयर और रूफ कभी भी ढलाई नहीं करना है, पहले स्टेयर ढलाई करना है तब जाना है रूफ को, ठीक है। और सेम डे भी नहीं, जैसे सेम डे में पहले स्टेयर और रूफ एक साथ नहीं, सेम डे में नहीं ढलाई करना, चाहे पहले किए चाहे बाद में किए, 1-2 से 3 दिन पहले आपको सीढ़ी ढलाई करके फिर छत पे काम करना है, छत की ढलाई करना है, इससे आपका मजबूती बढ़ेगा। अब बोलेंगे सर यहाँ ज्वाइंट में दिक्कत, ज्वाइंट में को नो एनी इशू,
आप 7 डेज के अंदर अगर आप जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं ना, ज्वाइंट में कोई दिक्कत नहीं होता। वही अगर 2 साल 5 साल बाद करेंगे तो उस ज्वाइंट के पास जो है डस्ट जम जाता है, काई जम जाता है बारिश के पानी की वजह से, दोनों का ज्वाइंट नहीं होता, फिर जब दोनों ढलाई होता है तो फिर उसकी उसी से होकर पानी सीपेज करता है, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सीढ़ी और छत ढलाई को लेकर के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।